जी तो दोस्तों, हम आ जाते हैं अपने सेकंड पार्ट में। हमने कैंपेन्स तक पूरा डिस्कस किया था पिछले पार्ट में, तो अब हम टेम्पलेट पे आ जाते हैं, जो स्टाइल कहते हैं हम। जैसे ये है, अभी तो बिल्कुल सिंपल सादा टेम्पलेट है जो कि आपकी स्क्रीनशॉट में नज़र आ रहा है। तो इसको हमने चेंज करना है, अट्रैक्टिव डालना है। तो ये एक templateism.com एक वेबसाइट है, तो यहाँ से हमने ब्लॉगर टेम्पलेट्स जो होते हैं वो हमने डाउनलोड करने हैं। मैं ये देख स्टाइल्स, ये सैयद फैज़ान अली हैं तो वेब डिज़ाइनर, तो उन्होंने ये स्टाइल्स बना के अपलोड किए हुए हैं। तो ये बहुत सारे इनमें टेम्पलेट्स हैं, लेकिन हमारा ब्लॉग जो है ब्लॉगिंग के रिलेटेड है, तो इसमें से एक टेम्पलेट हम कोई अच्छा सा चूज़ करते हैं। यहाँ से हम नेक्स्ट पेज पे जाता हूँ मैं, तो यहाँ से हम अभी डाउनलोड करेंगे यहाँ से टेम्पलेट और फिर इस पेज लगाएंगे। अभी तो बिल्कुल सादा सा और बुरा स्टाइल है इसका। अगर आपका ब्लॉग वीडियोस के रिलेटेड है तो ये आप ब्लॉग ट्यूब लगा लें। तो अभी तक मुझे कोई टेम्पलेट पसंद नहीं आया, तो आगे चलते हैं। क्रिकेट के रिलेटेड है तो ये वाला चूज़ कर लें आप, ये टाइटल्स भी दिए हैं। ये फ्लैट वाला मुझे पसंद आ रहा है, इसको हम डाउनलोड करेंगे। बहुत फैंसी किस्म का है ये। तो जैसा ये अब नज़र आ रहा है बिल्कुल वैसे ही हमारा हो जाएगा। इसको हम डाउनलोड फ्री पे क्लिक करते हैं। अगर आप प्रीव्यू करना चाह रहे हैं ये वाला टेम्पलेट कैसे लग रहा है, तो लाइव प्रीव्यू पे क्लिक कर दें। तो अभी मैं डाउनलोड फ्री पे क्लिक कर देता हूँ। कोई बड़ा साइज़ नहीं होता, ये KBs में होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 100 KB का होता है ये। तो इसको मैं डाउनलोड कर देता हूँ, यहीं से स्टार डाउनलोड पे क्लिक करता हूँ। तो डाउनलोड हो चुका है, ओपन में जाता हूँ। ये विनरार फाइल में है, जहाँ भी बहुत सारी ब्लॉगर टेम्पलेट्स की साइट्स हैं। bTemplates.com है, प्रोफेशनल ब्लॉगर Templates.com है, SORATemplates.com है, तो ये Templateism.com है। ये मुझे बहुत पसंद है, बहुत आला है, ऐसे ऑप्टिमाइज्ड बहुत अच्छे टेम्पलेट्स होते हैं इधर। यहाँ से हम एक टेम्पलेट डाउनलोड कर लिया फ्री, यहाँ इसके फीचर्स भी इन्होंने बताए हैं। तो अभी विनरार थोड़ी देर लगा रहे हैं। चलें, ओपन हो गया। तो ये इंस्ट्रक्शंस हैं, और जो ब्लॉगर टेम्पलेट्स का मैं आपको बता दूं, ये .xml फाइल में होते हैं, डॉक्यूमेंट सॉरी .xml डॉक्यूमेंट पे होते हैं ये। आपको ब्लॉगर में जब अपलोड भी करोगे ना यहाँ से टेम्पलेट, तो ये .xml फाइल को आपने अपलोड करना है। डाउनलोड भी करेंगे बैकअप टेम्पलेट का, जो स्टाइल का बैकअप करना चाह रहे हैं अगर आप, तो वो भी .xml में होगा, सिर्फ एक फ़ाइल होगी, सिर्फ एक। तो अभी इसको मैं कहीं एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ, को एक्सट्रैक्ट टू स्पेसिफिक फोल्डर, डी में जाके एंड्रॉयड एप्स में कर देता हूँ मैं। ये एक्सट्रैक्ट हो चुका है, तो इसको मैं .xml फाइल फ्लैट मैक की, जहाँ से भी आप डाउनलोड करेंगे, पहले विनरार फाइल होगी, उसके बाद आपको .xml फाइल होगी अंदर उसके, उसको आपने एक्सट्रैक्ट कर देना है कहीं भी कंप्यूटर पे, और फिर यहाँ से चूज़ फाइल पे क्लिक करना है एप्स, और ये फ्लैट मैक जो है ऐसी फाइल होगी, इसको हमने क्लिक कर देना है। यहाँ से आपने बैकअप स्लैश रिस्टोर पे टेम्पलेट में आके क्लिक करना है, फिर यहाँ बैकअप स्लैश रिस्टोर है, अगर आपने ये पहले वाला टेम्पलेट है उसको बैकअप करना है, तो यहाँ डाउनलोड फाइल टेम्पलेट पे क्लिक कर, वो भी .xml फाइल में डाउनलोड होगा। अपलोड अ टेम्पलेट फ्रॉम फाइल ऑन योर हार्ड ड्राइव, यहाँ भी क्लिक कर दें। अब यहाँ से अगर आप टेम्पलेट अपलोड करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर मैं अपलोड पर क्लिक कर देता हूँ, तो ये थीम हमारा अपलोड हो जाएगा। बिल्कुल ऐसी ही हमारी साइट दिखेगी।
ये अपलोडेड सक्सेसफुली। अब हम व्यू ब्लॉग पे क्लिक कर देते हैं तो हमारा ब्लॉग पहले था बिल्कुल वैसा नहीं रहेगा, बिल्कुल चेंज हो चुका होगा। ये देखते हैं ब्लॉगिंग टिप्स harun.blogspot.com है, ये कैसे लग रहा है ब्लॉग, बिल्कुल चेंज हो चुका है और बहुत स्टाइलिश किस्म का लग रहा है। ये देखें बैक टू टॉप पे अगर आउट भी जाने जा रहे हैं, सर्च साइट पोर्टफोलियो या अबाउट अस कॉन्टैक्ट अस गेम सॉफ्टवेयर, ये मेन्यू बार जो होगा इसका हम HTML से एडिट करेंगे। हाँ एडिट HTML में जाके, तो इसको हम एडिट अभी करते हैं आप स्टार्ट करते हैं। अब लेआउट में हम दोबारा आ जाते हैं, इसको मैं ज़रा रिफ्रेश कर देता हूँ, ऑटोमेटिकली हो रहा है ये। यहाँ आपका टाइटल शो हो रहा होगा ब्लॉगिंग टिप्स, तो ये हो गया हमारा ब्लॉगिंग टिप्स का हेडर ये जो लिखा हुआ है। इसको हम लेआउट में आएंगे, अगर हमने जो यहाँ सारी चेंजेस करनी होंगी ना, तकरीबन कुछ लेआउट में चेंजेस होगी और कुछ यहाँ टेम्पलेट में जाकर एडिट HTML, ये बल्कि तीन में आ जाते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट्स होते हैं। तो इसमें हम अभी ये जो सारी लेआउट में जो गैजेट्स हैं, गैजेट्स का भी आपको बता दूँ, ये अबाउट मी जो फरहान असलम का ये जो प्रोफाइल है ये भी इसको गैजेट करते हैं, ये इसको हम रिमूव कर देते हैं क्योंकि ये तो नहीं थी, ब्लैंक था, ये अबाउट मी है, ये नेबार है, वो तो रिमूव नहीं होगा, बल्कि रिमूव कर देता हूँ। रिमूव करने के बाद मैं सेव अरेंजमेंट पे क्लिक करता हूँ तो मेरी जो ऑथर प्रोफाइल है वो साइड पे आ रही थी ना फरहान असलम के नाम से, वो नहीं अब शो होगी, देखिएगा ये देखें वो नहीं शो हो रही। तो यहाँ से मैं आपको बिल्कुल सारा डिलीट करके मैं आपको शुरू से दिखाऊंगा। क्वेश्चन भी इसको भी रिमूव कर देते हैं, सारा साइड पे जो भी है उसको हम रिमूव करते हैं। इसको हम ऑफ़ कर देंगे, ये जो ऊपर आ रहा होता है ना ये स्लाइडर टाइप नेविगेशन का नैब बार, इसको हम ऑफ़ कर देना है आपने। तो अब ये बिल्कुल सारा बिल्कुल न्यू टाइप हो रहा है, इसको मैं दोबारा ओपन करता हूँ तो साइड पे अब कोई चीज़ नहीं रहेगी, सिर्फ हमारा जो पोस्ट होगा वो रहेगा, एक पावर्ड बाय ब्लॉगर का रहेगा ये। तो अब हम स्टार्ट करते हैं फेविकॉन से, ये लेआउट में हमारा सबसे पहला है, इसको हम एडिट करते हैं। तो फेविकॉन को आपको मैं बता दूं, ये देखें अब यहाँ ये वाला templatism.com है, tutorialsun.com है ये, और ब्लॉगिंग ये जो बीच जो ऊपर साइन नज़र आ रहा होता है ना इसको हम फेविकॉन कहते हैं। जैसे कि अब templatism.com का ये है टी, और ये tutorialsun.com का जैसे ये फेसबुक पेज जो वेरीफाई हुआ होता है उसका मैंने ऐड किया हुआ है। वीमेओ का है ये वी, ये मैंने सेकंड पार्ट जो है अपलोड पे लगाया हुआ है, सॉरी फर्स्ट पार्ट। तो अब ये कन्फिग्योर करना है आपने, जैसे अभी बी शो हो रहा है, अगर आप कोई अपनी और इमेज शो करना चाह रहे हैं यहाँ से अपनी चूज़ फाइल करना है, 100 KB से लेस हो, JPEG फॉर्मेट में हो, बल्कि कोई भी फॉर्मेट में हो जाए, लेकिन 50
50 की हो इमेज, उसको आपने चूज़ करना है, तो आप वो छोटी सी इमेज यहाँ शो हो जाएगी। ठीक है, मैं सोच रहा हूँ आपको मैं करके दिखा ही देता हूँ यहाँ से कोई। कोई भी इमेज ले लेते हैं ब्लॉगिंग के रिलेटेड, उसको हम फेविकॉन में ऐड करके मैं आपको दिखा देता हूँ। मुझे लगता है थोड़ा नेट स्लो हो गया है, तो सब्र करिएगा। जब तक ये google.com खुलता है, इससे पहले कुछ और डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम ब्लॉगिंग हेडर पे आ जाते हैं। इसको हम एडिट पे जाके क्लिक करते हैं। अगर आपने हेडर को एडिट करना है, जैसे ये जो आ रहा है ना ब्लॉगिंग टिप्स है, ये हमारा हेडर टाइप हो गया, इसको आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं। और अगर ब्लॉगिंग टिप्स की अगर आप कोई इमेज लगाना चाहते हैं ब्लॉगिंग टिप्स के अलावा, तो यहाँ आपने ब्लॉग डिस्क्रिप्शन भी पहले ऐड करने, ब्लॉग टाइटल है आपका ये ब्लॉगिंग टिप्स, अगर आपका गेम्स का है तो गेम्स वाला डाल दें कोई टाइटल, फिर चूज़ फाइल, चूज़ आपने अगर यहाँ कोई छोटी सी इमेज छोटा सा इसके साइज़ के मुताबिक ही लेनी है आपने, चूज़ फाइल करके सेलेक्ट करनी है, फिर उसको कर देना इंस्टेड टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन में, और फिर सेव पे क्लिक कर देना, यहाँ इमेज शो हो जाएगी। तो ये ब्लॉगिंग टिप से भी मैं रहने देता हूँ। यहाँ अगर आपने इमेज शो करनी, जैसे अब tutorialshun.com है ना, तो ये छोटी सी इमेज आ रही नज़र आ रही होगी आपको, ये है मैंने इमेज ये खुद अपना ये साइट पे लोगो बनाया, और शायद साइट पे tutorialshun.com लिख, ये हो गया। इसको मैंने कैसे ऐड किया, टाइटल मैंने tutorialshun.com tutorialshun लाने दिया, फिर ब्लॉग डिस्क्रिप्शन में आप डिस्क्रिप्शन दे दें, जैसे मेरी लार्जेस्ट है वो उर्दू वीडियो ट्यूटोरियल, फिर इमेज में जाके ये मैंने इस साइज़ की इमेज चूज़ फाइल की, फिर इसके आगे फिर इंस्टेड ऑफ टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन पे सेव कर दी, तो ये देखें इमेज शो हो रही है। अगर मैं सिर्फ ट्यूटोरियल हाँ लिखता तो यहाँ सिंपल ट्यूटोरियल हाँ लिखा हुआ है, कोई लॉग वगैरह नहीं आता। अभी इसको मैं ऑलरेडी ऐसे रहने देता हूँ। फेविकॉन का आपको मैं बता देता हूँ, अलबत्ता ब्लॉगिंग लॉगो जैसे ये बी है, ये पहले है, तो उसके लिए कौन सा लोगो अच्छा रहेगा, ये वाला मैं लिख देता हूँ। तो हम सेव कर लेते हैं, कोई भी आपने इमेज हो तो सेव कर लो। किधर गया वो जी, तो फेविकॉन में हम जाके ये ब्लॉग लोगो को ऐड करना देखते हैं। पहले इसका साइज़ तो मेरे ख्याल से बड़ा है, तो छोटा कर लेंगे उसे, अगर अभी एक्सेप्ट ऐसे ही कर लेते हैं तो ठीक है, नॉट अ स्क्वायर इमेज, तो ठीक है इसको मैं एडिट कर लेता हूँ, ओपन करता हूँ पहले से, पेंट में जाके हम इसे सही कर लेते हैं अभी। देर क्यों लगा रहा है, चलें जब तक अब ये लोड होता है आगे हम बात कर लेते हैं ब्लॉग पोस्ट की। पोस्ट होता है इसकी हमने सेटिंग्स वगैरह करनी है, जैसे ये बाय फरहान असलम लिखा हुआ आ रहा है ऑन 10:36 10:36 पर ये पोस्ट किया गया, इसको हमने एडिट कैसे करना है इसको हम चेक करते हैं। पोस्ट की सेटिंग्स अब है मेन पेज ऑप्शंस हैं, अब नंबर ऑफ पोस्ट ऑन मेन पेज, जैसे अब ब्लॉगिंग टिप्स खोलते हैं तो अब यहाँ
कितने पोस्ट हैं। अगर ऐसे तो लोगों ने हज़ारों पोस्ट भी किए हुए हैं, नीचे जाते रहे हैं, बहुत पोस्ट आएंगे, लेकिन अगर ब्लॉगिंग टिप्स अरुण डॉट को blogspot.com खोलें तो कितने पोस्ट मेन पेज आने, अभी तक 7 हैं। तो अभी एक पोस्ट किया हुआ तो इसलिए 1 शो हो रहे हैं, यहाँ मैंने कितने किए हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यहाँ अभी तक मैंने 6 ऐड किए हुए हैं। अब मैं चाहूँ तो इसकी सेटिंग में जाके 10 भी कर सकता हूँ, लेकिन यह है कि tutorialhunt.com जो बंदा खोलेगा फिर घंटा बैठा रहेगा, मीन्स क्योंकि वो लोड होती रहेगी और फिर विजिटर जो होते हैं अनॉय होते हैं और चले जाते हैं, इसलिए मैं आपको कहूँगा 7 या 6 तक ही रहने दें। तो अब इसको भी मैं विंडोज़ फ़ोटो व्यूअर में आ गया, इसको पहले फेविकॉन को हम देख देते हैं, ओपन विद पेंट, वो पेंट से ओपन होता है फिर, और पोस्ट पेज लिंक टेक्स्ट अब यहाँ आ रहा है, कंटिन्यू रीडिंग है, इसको हम चेंज करना चाहें तो यहाँ रीड मोर की जगह कुछ और लिख सकते हैं। अब जैसे यहाँ रीड मोर है ना, तो अगर मैंने लिख देता हूँ क्लिक हेयर लिखेंगे तो यहाँ क्लिक हेयर शो हो जाएगा, जैसे सारे पोस्ट का टाइटल शो हो रहा हो, इमेज और टेक्स्ट थोड़ा सा शो हो रहा था, यहाँ रीड मोर है तो यहाँ अगर आपको कुछ और लिखना चाहते हैं तो वो लिखते हैं। और फिर पोस्ट पेज ऑप्शंस हैं, मंडे अगर डेट शो करना चाह रहे हैं, बेकअप पोस्ट हुआ तो उस पर टिक रहने दें, अगर नहीं चाह रहे तो नहीं। पोस्टेड बाय फरहाना असलम, भी किस ऑथर ने पोस्ट किया, इसको सब मैं हटा देता हूँ। कमेंट्स भाई कितने हुए हैं वो ये शो कर देते हैं। लेबल्स कैटेगरीज को कहते हैं हम, मतलब ये ट्रैफिक के कैटेगरी में मैंने किया हुआ है, किधर गया ये पोस्ट, इसको हम बिल्कुल क्रॉस कर दें, अभी ये ट्रैफिक की कैटेगरी में है तो वो कैटेगरी भी शो करना चाहते हैं तो ठीक है, अभी इसको हटा देता हूँ। क्विक एडिटिंग को भी हटा दो। शेयर बटन भाई, इस पोस्ट को अगर आप फेसबुक पे शेयर करना चाहते हैं, कहीं और शेयर करना चाहते हैं, इसको भी हम अभी हम रहने देंगे। और लोकेशन तो वो तो हमने ऐड की नहीं थी। शो ऑथर प्रोफाइल विल एवरी पोस्ट, यहाँ फॉर सिंपल फेस टू ड्राइव ट्रैफिक, फिर नीचे अगर आप जाएंगे तो आप फरहान असलम लिखा हुआ आएगा, उसको भी मैं अनटिक कर देता हूँ। अब सेव कर देता हूँ ब्लॉग पोस्ट की, जहाँ आपने बिल्कुल सिंपल है, और फिर सेव अरेंजमेंट आपने जो भी यहाँ सेटिंग करनी है फिर यहाँ सेव अरेंजमेंट पे क्लिक कर। अभी इसको हम फेविकॉन पे आ जाते हैं, ये 237 का था, इसको 50-50 का कर देते हैं, ओके, फाइल सेव, फेविकॉन चूज फाइल, लॉग लॉग हो, से कोई प्रॉब्लम आ गया दोबारा एडिट पे क्लिक करना है, चूज फाइल, लॉगो, अभी ये शो हो रहा है, फिर सेव पे क्लिक कर देते हैं हम, ये अब यहाँ फेविकॉन में ये शो हो रहा है ब्लॉक, पहले बी आ रहा था ना ये ऑरेंज कलर का, सेव अरेंजमेंट। अब व्यू ब्लॉक पे क्लिक करते हैं, वो देखते हैं अब वो बी हटा है, दूसरा हमने जो कस्टम लगाया अपना वो शो हुआ या नहीं, तो मेरे ख्याल से अभी कैच किया हुआ है ब्राउज़र ने इसको, इस पोस्ट को हम व्यू करते हैं, क्यों नहीं शो हो रहा है, चलें आप ये ब्राउज़र ने कैच किया हुआ तो इसलिए वो सही तरह शो नहीं हो रहा, लेकिन आपकी तरफ हो जाएगा, ये हमने पोस्ट किया था वो भी शो हो रहा है अभी, तो उसके अंदर हमने ब्लॉक कोड भी डाला था, ये यहाँ शो हो गया, उस टेम्पलेट में था नहीं, तो ये लेटेस्ट टेम्पलेट है वो भी शो हो गया, और इसको क्लोज कर देते हैं। और फिर हम आ जाते हैं यहाँ ऐड गैजेट, बल्कि इसको दोबारा व्यू करने ही देते हैं, ऐड अ गैजेट पे क्लिक कर देते हैं, यहाँ हमने कोई ऐड अ गैजेट में अगर हम कुछ डालना चाह रहे हैं, प्लस वन बटन मीन्स इसको अगर आप कोई बंदा अगर आप शो करना चाह रहे हैं, प्लस वन बटन साइड पे शो करना चाह रहे हैं वो भी आप शो कर सकते हैं, गूगल फॉलोअर्स भाई कितने हम बंदे हमें फॉलो कर रहे हैं वो भी आप ऐड करना चाह रहे हैं, गूगल बैज ट्रांसलेट फॉलो बाई ई मेल पॉपुलर पोस्ट, पॉपुलर पोस्ट का हम आ देते हैं, इस पर हम क्लिक करेंगे, या हम ऐड में ये गैजेट ऐड कर रहे हैं तो टाइटल होगा उसका पॉपुलर दिस वीक कर देते हैं हम, जैसे tutorialhunt.com पे है,
पॉपुलर दिस वीक, यहाँ पोस्ट शो हो रहे हैं। तो ये भी मैंने वहाँ जाके लेआउट में गैजेट ऐड किया हुआ है। तो अब मोस्ट व्यूड में ऑल टाइम है, फिर लास्ट 30 डेज़ है और लास्ट 7 डेज। लास्ट 7 डेज, लास्ट आखिरी 7 दिनों में कौन से पोस्ट जो हैं बहुत ज़्यादा व्यू किए गए हैं। तो फिर शो पोस्ट टाइटल, ये टाइटल और स्निपनेट और डिस्प्ले इमेज थंबनेल, ये जो साइट पे इमेज भी आ रही है अगर ये शो करना चाहते हैं वहाँ टिक कर दें। स्नैपनेट मीन्स यहाँ जो कंटेंट होता है थोड़ा रिटर्न, वो भी अगर आप शो करना चाहते हैं उस पर भी क्लिक करें। डिस्प्ले अप टू अनटिल कितने पोस्ट आप पॉपुलर पोस्ट में शो करें, यहाँ आप इसमें देखते हैं मैं कितने किए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 शो किए हुए हैं। तो यहाँ अभी हमने एक ही किया हुआ है, मैं यहाँ 5 पे वैसे कर देता हूँ। पेज एलिमेंट एडिट, सेव अरेंजमेंट, फिर व्यू ब्लॉक। देखें पॉपुलर दिस वीक में ये आ रहे हैं, ये पॉपुलर पोस्ट यहाँ सारे शो होंगे। फिर दोबारा ऐड अ गैजेट में जाते हैं, कोई और अगर हम गैजेट ऐड करना चाह रहे हो, बहुत आसान है यहाँ। पॉपुलर पर ब्लॉग स्टैट्स अगर आप शो करवाना चाह रहे हैं कि हमारे ब्लॉग पे आज कितने विजिटर आए हैं, तो वो भी आप शो करवा सकते हैं। पेजेस सर्च बॉक्स, अगर आप सर्च साइट ये टेम्पलेट में ऑलरेडी है तो आपको ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं। तो HTML/JavaScript, हाँ अगर आपने कोई विजिट वगैरह किसी और वेबसाइट पे जो विजिट्स होते हैं ना उन्होंने बताए होते हैं, मीन्स पॉपुलर पोस्ट विजिट फॉर ब्लॉगर, वो आपने यहाँ HTML/JavaScript में, वो भी आपको मैं दिखाता हूँ। अभी टेक्स्ट, अगर आप कोई मैसेज यहाँ शो करना चाह रहे हैं टेक्स्ट में, वो भी। अगर आप कोई इमेज भी यहाँ साइट पर शो करना चाह रहे हैं, वो इमेज में जा लें, फिर यहाँ से चूज़ फाइल करनी है, फिर ऐड हो जाएगी। फिर अगर आप स्लाइड शो इमेज इसका शो करना चाह रहे हैं, वो भी। अगर वीडियो बार, पोल भी शो करना चाह रहे हैं, पोल क्या मीन्स क्वेश्चन वगैरह, हाउ डिड, अभी मैं आपको ये बल्कि थोड़ी चीज़ें आपको मैं दिखा देता हूँ। हाउ मच यू लाइक्ड आवर ब्लॉग आंसर्स, ओके विच थिंग, बल्कि इसको विच थिंग यू लाइक टू अवर ब्लॉग, इसमें हम ऑप्शन दे देंगे। डिज़ाइन अच्छा है इसका, कंटेंट जो हम पोस्ट वगैरह किए हुए हैं। अब यहाँ से अलाउ विजिटर्स टू सेलेक्ट मल्टीपल आंसर्स, मीन अगर एक बंदा डिज़ाइन भी सिलेक्ट कर सकता है और कंटेंट भी, इसको हम टिक कर देते हैं अभी। और फिर पोल क्लोजिंग टाइम मीन्स ये पोल का जो विजिट है कब तक शो होता रहे। तो अभी सेव करके मैं सिर्फ आपको सिर्फ बताने के लिए कर रहा हूँ। व्यू ब्लॉग में जाते हैं तो अभी पोल शो हो रही होगी। कल से अभी तक शो क्यों नहीं हुई, पर चेक करते हैं। साइड बार पे इसको पॉपुलर पोस्ट वगैरह को हम साइड पे कर देते हैं यहाँ इस सर पे। ये अब दो बने हुए नज़र आ रहे हैं। अब यहाँ पॉपुलर पोस्ट पहले ऐड था तो सिर्फ जब होम पेज पे नज़र आएगा, ये ब्लॉगिंग टिप्स harun.blogspot.com पे सिर्फ ही आएगा। लेकिन आप पोस्ट पे देखें, अब साइड पे सारा ब्लैंक आ रहा है। मैं इसको पॉपुलर पोस्ट को उधर कर देता हूँ, भी पोस्ट में भी नज़र आए, और विच थिंग यू लाइक डॉ ब्लॉग को भी उधर कर देता हूँ। फिर से मैनेजमेंट पर क्लिक करके इसको रिफ्रेश करते हैं। आप देखते हैं साइड पे आ जाते हैं, ये देखें यहाँ पोल भी अब शो हो रही है। यू थिंक यू लाइक, यहाँ आपने सेलेक्ट करना है कि विजिटर सेलेक्ट कर, फिर वोट पे क्लिक कर दे, फिर पॉपुलर दिस वीक पे वो पॉपुलर पोस्ट जो हैं वो शो हो रहे होंगे। तो ऐसे आपने ब्लॉग की जो सेटिंग्स है ना साइड वाली, वो आपने यहाँ से एडजस्ट करनी है। ओ
और अब हम कहाँ थे, ब्लॉग लिस्ट, न्यूज़ फीड वगैरह, सब्सक्रिप्शन लिंक, लॉगो, प्रोफाइल अगर आप अपनी शो करना चाह रहे हैं, जैसे मेरे गूगल प्लस प्रोफाइल यहाँ भी पहले शो हो रही थी, वो आप शो करना है, और लेबल्स जो हम कैटेगरीज हैं वो शो करना चाह रहे हैं, लेबल्स को आप यहाँ आप कैटेगरीज नेम कर दीजिएगा। ऑल लेबल्स शो नंबर को सेव कर देते हैं, लेबल्स कहाँ शो हों, कैटेगरीज़ को भी बल्कि इधर डाल देते हैं, इसके नीचे पॉपुलर पोस्ट के नीचे शो, फिर सेव अरेंजमेंट पे क्लिक करते हैं, फिर व्यू ब्लॉक पे चले जाते हैं। ये कैटेगरीज़ मींस अगर आप इस वेबसाइट पे कौन सी कैटेगरी में आप पोस्ट चेक करना चाह रहे हैं, अपनी वेबसाइट पे विजिटर्स लाने के लिए तो ट्रैफिक पे क्लिक करने, जैसे ये भी है, ये भी बेसिकली कैटेगरीज़ हैं, फाइवर, फेसबुक ट्रिक्स, इनको हम लेबल कहते हैं, जैसे ट्यूटोरियल्स हम डॉट कॉम स्लैश सर्च स्लैश लेबल वगैरह आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ SEO में डालता हूँ साइट पे स्लैश स्लैश सर्च स्लैश लेबल स्लैश SEO, SEO की कैटेगरी है, तो अब यहाँ सारे SEO के रिलेटेड आपको सारे पोस्ट आएंगे यहाँ ट्यूटोरियल्स हम डॉट कॉम। अब ट्रैफिक पे कोई क्लिक करेगा, अब हमने जब हमने पोस्ट में जाके सेटिंग एडिट कर हम पोस्ट कर रहे थे तो साइट पे लेबल का ऑप्शन था, अब हम ट्रैफिक डाला था तो अब यहाँ ट्रैफिक शो हो रहा है, लेबल बनता जाएगा जैसे आप ऐड करते जाएंगे। देखें आप सारे SEO के रिलेटेड शोइंग पोस्ट विद लेबल SEO। तो अब यहाँ ऐड अ गैजेट में अगर थर्ड पार्ट में आते हैं तो आपको मैं फेसबुक का लाइक बॉक्स वगैरह ऐड करना सिखाता हूँ।